मैं ये कह दूं कि खुश तो बहुत होंगे आज आप सर, क्योंकि आपके एक सियासी मुखालिफ सलाखों के पीछे हैं। अब हो गई लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं समझता हूँ कि जी अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, और मुंह पे हाथ फेर के ये नहीं कहना चाहिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं एसी उतार लूंगा, ये भी नहीं कहना चाहिए मैं टीवी उतार लूंगा और गर्मियों में पंखा बंद कर दूंगा और सर्दियों में हीटर बंद कर दूंगा, घर का खाना बंद कर दूंगा, लोगों की दवाइयां बंद कर दूंगा। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और तकब्बर और गरूर जो है हमने यही सुना है कि उसका सर नीचा होता है। तो अब चोरी की थी तोशाखाना की, जवाब देना था, हिसाब देना था, ट्रायल भुगतना था, तो आज अपने ही किए हुए जुर्मों की सजा पाई है। ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये केस उन पर डाला गया या बनाया गया, जिसना राणा साहब पे मछियार डाली गई या मरी बीबी को जेल भेजा गया, 6x10 के सेल में रखा गया। तो ये अब आपने चोरी की, जवाब तो देना पड़ेगा। ये मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, इस बात पे जरूर खुश हूँ कि अब एहतसाब का अमल जो है वो मंतकी जाम तक पहुंचा। भी और बहुत सारे केस साहब आप लोग तो इसी दे रहे हैं ना उनको, क्योंकि वो शिकायतें आ रही है कि सी क्लास में रखा हुआ है, बहुत बुरी हालत है। मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, वजीर आजम का मावने खसूसी हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है कि मैं पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के भी आगे प्रेजेंट डिपार्टमेंट की खबर रखूं कि किसको किस हाल में रखा है और क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये छोटापन होता है शहजाद अकबर की तरह, ये सुएं लेना और ये कहना कि जी फलां की फलां चीज कर दें, फलां की फलां चीज ना करें। अगर कोई दरखास्त आई और टक्कर के लोगों ने, इनकलाबियों ने, जिहाद करने वालों ने, जो अपने आप को कहते थे कि हम मुल्क की तकदीर बदलने निकले हैं और रोक सको तो रोक लो, तो अगर इन टक्कर के लोगों ने और इन इनकलाबियों ने दरखास्त दी वाटर कूलर की, आइस बॉक्स की और पंखे की और एसी की और टीवी की, जो कि सुना है कि हाईकोर्ट चले गए हैं, तो फिर ऑब्वियसली हुकूमत इस पे गौर करेगी, मगर अभी तक हमारे पास दरखास्त आई कोई नहीं। ठीक है तार साहब, मुझे ये बताएं निगरान वजीर आजम के नाम का तो आपको पता ही होगा, हफीज शेख साहब फिर मजबूत कैंडिडेट है। देखिए मैं जो मीडिया रिपोर्ट ही देखी है, मैं ऑब्वियसली लीगल मामला से जा रहा हूँ, तो बेहतर है कि कोई इकोनॉमी की समझ बूझ रखने वाला शख्स हो, मगर ये अकेले मुस्लिम लीग नून ने फैसला नहीं करना, इसमें तमाम इत्तेहादी शामिल हैं, वो MNAs जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से बैठे हैं असेंबली में वो लोग शामिल हैं, तो ये ऑब्वियसली कंसेंसस से एक फैसला होगा। और शहबाज शरीफ साहब का ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि उन्होंने हमेशा मशावरत से तमाम फैसले किए हैं और इंशाल्लाह इस पर भी मशावरत होगी। बेहतर है, मेरी राय बतौर सियासी वर्कर ये है कि इकोनॉमी की समझ बूझ रखने वाला कोई शख्स आएगा तो ये पाकिस्तान के मफाद में होगा। ठीक, यानी तार साहब जाते हुए मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि हफीज शेख साहब का मतलब ये है नाम का आना कि IMF का बंदा आ गया है और वो स्ट्रांग भी है, क्योंकि जाहिर है कि आप लोग कामरान टसूरी साहब को तो वोट नहीं देंगे कि वो निगरान वजीर आजम बन जाए। देखिए अभी काफी नाम जेरे गौर हैं, बट ऑब्वियसली जो इकोनॉमी के हवाले से अगले चंद माह में इकोनॉमी के रिवाइवल के हवाले से जो भी शख्स किरदार अदा कर सके, वो जो भी हो, और IMF से हमारा मुआहदा है और वो भी आपको पता ना उसी शख्स ने किया था जिसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। खुदकुशी अल्लाह करे कोई ना करे इस मुल्क में, आमीन, मगर अब इकोनॉमी के लिए इस मुल्क की खातिर स्ट्रांग डिसीजन लेने होंगे और इकोनॉमी के रिवाइवल के फोकस के हवाले से कैंडिडेट की सिलेक्शन हो तो वो बेहतर हो। ठीक है।